हेलो फ्रेंड्स, एक टॉपिक लिखो आप, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेडिंग लिखो, देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लिखते हैं जेड स्टार्स, या इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। तो इससे पहले हम जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये देखो, न्यूक्लियर, ये ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या लिखा है? चार्ज। चार्ज का मतलब चार्ज, यानी हम ये बोल सकते हैं द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस या प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, यानी वो चार्ज कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। यानी ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या और भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या बोलता है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऐसे सेल है, ठीक, तो अगर न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब समझ सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां देखोगे हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा इनके बीच। ये क्या मिलेगा यहां पर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। एक और इलेक्ट्रॉन मान लो यहां भी है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच अगर बात करें तो फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा। तो हमें ये जानना होता है यहां पे कि और अगर जैसे ये देखो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यदि न्यूक्लियस के नजर से देखो यहां क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अगर हम यहां से न्यूक्लियस में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो हर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। देखो, खींचेगा ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। तो अब देखो, हम इसी को बोलते हैं, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर हम ये कहें कि भाई हम ये पता करना चाहते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को, इसको चेक पॉइंट बोलते हैं, चेक पॉइंट, यानी यही भी चेक कर रहे हैं, इसको चेक पॉइंट बोलते हैं। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितने फोर्स से खींचेगा, तो हम क्या कहेंगे भाई कि जब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें रिपल्सन होने लगेगा, या फोर्स ऑफ रिपल्सन होने लगेगा। न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको इस साइड फेंकने लगेंगे, न्यूक्लियस इसको इधर खींचने लगेगा, और ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन होगा रिपल्सन के थ्रू इधर भेजने लगेंगे। बोलिए, तो फिर देखिए यहां पे क्या होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है पॉइंट चार्ज और ये बीच के इलेक्ट्रॉन है, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन होंगे ये बीच वाले, ये शील्डिंग का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे? शील्डिंग का सेंस हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस खींचेगा इसको ये लोग रोकने का कार्य करेंगे, ये बीच के इलेक्ट्रॉन रोकने का कार्य करेंगे।
इससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है इसका कुछ पावर इनको इसमें खर्च हो जाएगा, क्या होगा इसमें खर्च होगा। तो हमको यही जानना यहाँ पे है, ये जो बीच के लोग हैं न्यूक्लियस का मान लो जो भी पावर था टोटल पावर जेड हो गया, ये जो बीच में रोक रहे हैं उसको सिग्मा से बोलते हैं। तो यदि आप खुद ही सोचो अगर ये जेड का वैल्यू ज्यादा होगा तभी ये इसको खींच पाएगा, अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो गया तो नहीं खींच पाएगा। तो यहां एक्सपेरिमेंटल है कि जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन और सिग्मा हुआ सेलिंग कांस्टेंट, या इसी को आप और भाषा में स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को और बोल देते हैं स्लैटर कांस्टेंट, स्लैटर कांस्टेंट। ठीक, अब देखो यहां पे थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या वो समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो समझो। चलो देखो फिर से देखो बता रहे, ये कौन है न्यूक्लियस, ये आउटर सेल है। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ये बीच वाले है, ये बीच वाले इसको रोकेंगे, ये बीच वाले क्या करेंगे रोकने लगेंगे इसको, तो जो नेट फोर्स होगा इस पर नेट फोर्स उसी को हम क्या बोलते हैं जेड इफेक्टिव। अरे थोड़ा सा लिख लो टाइम इसमें लिखो न्यूक्लियस बाइंड, लिखो न्यूक्लियस बाइंड टू एग्जर्ट कंप्लीट फोर्स ऑन वैलेंस, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस इसको बाइंड करने के लिए पूरा जो नेट पूरा फोर्स है वो पूरा फोर्स इस पर लगा देगा, ये जो न्यूक्लियस है इसको पकड़ने के लिए पूरा फोर्स लगा देगा। देखो न्यूक्लियस बाइंड यानी इसको बांधने के लिए या पकड़ने के लिए एग्जर्ट लगा देगा कंप्लीट फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट ये देखो ये इसको बोलते इनर इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते इनर इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, जब ये न्यूक्लियस को अपने तरफ खींचने लगेगा तो बीच वाले इसको रोकेंगे इसको, तो ये बात फिर लिखो। बट देखो द इनर इलेक्ट्रॉन, द इनर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज, या ऐसे कहिए कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस कर देंगे न्यूक्लियस को फोर्स को। देखिए द इनर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज, लिखो बिहेव एज मेटैलिक शील्ड, मेटैलिक शील्ड, बिहेव एज मेटैलिक शील्ड एंड रिड्यूस द एंड रिड्यूस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, रिड्यूस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन सो द नेट फोर्स, सो द नेट फोर्स प्रोवाइडेड बाई न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। बड़े ध्यान से देखना, हम यहां लेते हैं न्यूक्लियस, ये पहला से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे मान लो, इसे बोलते आउटर सेल, ये आपका वैलेंस सेल, सॉरी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल। और अब जो भी रिमेनिंग बचेगा इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। आउटर सेल को एम थोड़ लिखते हैं, पेनल्टीमेट को एन माइनस वन और एंटी को एन माइनस टू, एंटी को एन माइनस टू। ठीक है, अब देखो यहां पे एक वर्ड याद रखिएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब बस एक छोटा सा लिख लेना हूं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, यानी हम किसको कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सिग्मा को। तो यहां लिखना पहला पॉइंट, ईच देखो ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल कंट्रीब्यूट्स जीरो पॉइंट थ्री फाइव, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जीरो पॉइंट थ्री फाइव। ठीक, दूसरा लिखना ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल कंट्रीब्यूट्स जीरो टू जीरो पॉइंट एट फाइव टू सिग्मा। थर्ड लिखना ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी पेनल्टीमेट कंट्रीब्यूट्स वन। हीलियम के लिए अगर बात किया जाए, इन द केस ऑफ हीलियम, तो वहां पे आउटर सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सिग्मा का वैल्यू 0.30 होता है, 0.30। अब इसका यूज देखो कैसे क्या है। अगर हमसे पूछा जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो सोडियम का होता क्या है, 281। अब यहीं से पता चल जाएगा ये आउटर सेल पेनल्टीमेट और ये एंटी पेनल्टीमेट। आउटर का मैं से लिखता हूं एंथ एन माइनस वन और एन माइनस टू। अब सुनो, यदि हम यहीं पे, अब जब हम आउटर की बात करेंगे पहले किसका, आउटर का, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करते क्योंकि उसी पे इसी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो जिस पे निकालते हैं वो चेक पॉइंट हो गया, वो क्या हो गया, चेक पॉइंट। तो वो शील्डिंग का कार्य नहीं करता, इसलिए हम आउटर का एक इलेक्ट्रॉन का भी काउंट
नहीं करेंगे। इसलिए पहले आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बचा कितना, जीरो, और कंट्रीब्यूशन 3.5, ये कितना हो गया जीरो। पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन कितना 8, कंट्रीब्यूशन 8.5, कितना हो गया बोलो भाई 6.8। एंटी में कितने हैं 2, कंट्रीब्यूशन 1, कितना हुआ 2। टोटल ऐड कर लो 8.8, ये किसकी वैल्यू आ गई सिग्मा की। अब जेड इफेक्टिव निकाल लो सोडियम का। जेड इफेक्टिव होता क्या भाई, जेड माइनस सिग्मा, सोडियम का जेड 11, सिग्मा 8.8, जेड इफेक्टिव कितना बचा 2.2। देख लो यहां पे एक और एग्जांपल देखो मैग्नीशियम का, किसका मैग्नीशियम का, Mg का भी लिखोगे कैसे लिखोगे भैया, इसी तरह से 2, 8, 2। हमने कहा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बचा कितना 1, कंट्रीब्यूशन 0.35, पेनल्टीमेट में 8, कंट्रीब्यूशन 0.85, इनर में 2, कंट्रीब्यूशन 1, ये कितना हो गया 2, ये बताओ 6.8, ये बताओ 0.35, ऐड कर लो 9.15। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया Mg के लिए 9.15। Mg का निकालो जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 12, सिग्मा 9.15, आया कितना 2.85। ठीक इसी तरह से एल्युमिनियम का भी निकालो, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 3283। चलो देखो फटाफट आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन 3, कंट्रीब्यूशन कितने जाएंगे 2, 2 × 0.35, पेनल्टीमेट में 8, कंट्रीब्यूशन 0.85, इनर में 2, कंट्रीब्यूशन 1, ऐड करो 2, इसे ऐड करो 6.8, इसे ऐड करो 0.70, सबको ऐड कर दो, फाइव 9.50। एक इसका सिग्मा का वैल्यू है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 30, बोलो भाई एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 30, जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 30, सिग्मा कितना आ गया 9.5, बचा कितना जेड स्टार 3.5। देख लो इसको, नोट करो इसको, तो बोलो भाई नहीं समझ पा रहे हो। एक और एग्जांपल देखो पोटेशियम का, 2, 8, 8, 1, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए इसके 1 के लिए कंट्रीब्यूशन 0, चलो आ जाओ पेनल्टीमेट में 1, 1 का कंट्रीब्यूशन, इनर में कितने हो गए 10, 10 का कंट्रीब्यूशन 1, ऐड कर लो 10, इसे ऐड करो 6.8, टोटल 16.8। बताओ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, 19 माइनस 16.8, बचा कितना 2.2। इतना पहले नोट करो अच्छे से, नोट कर लो भाई। चलो यहां का देखो इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये कौन है सोडियम, ये मैग्नीशियम, यहां पोटेशियम, यहां एल्युमिनियम। चलो नहीं समझे यहां पर बता रहे, बड़े ध्यान से देखना, ये सोडियम फिर Mg फिर Al नीचे के, सोडियम का जेड इफेक्टिव कितना है खोजो फटाक से, तो सोडियम का जेड इफेक्टिव 2.2, मैग्नीशियम का निकालो जेड इफेक्टिव 2.85,
इससे ये प्रूफ हो गया, एल्युमिनियम का निकालो 3.5, सॉरी 3.15 आएगा, ये जो भी है इसको कर लेना। तो देखो जब इधर जाओगे लेफ्ट से राइट, तो यहां जो जेट इफेक्टिव ध्यान से देखो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे। सोडियम का देखो और पोटेशियम का देखो, और यही यहां लिखो सोडियम से पोटेशियम फिर रुबिडियम, यहां जब आओगे तो यहां कॉन्स्टेंट है ना, जेट इफेक्टिव क्या है कॉन्स्टेंट। इसका भी 2.2, ये भी 2.2, ये भी 2.2, नोट कर लो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट से राइट वाला मामला, लेफ्ट से राइट जाने पर जेट इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे कॉन्स्टेंट है। लेफ्ट से राइट जाने को पीरियड बोलते हैं, टॉप टू से बॉटम जाने पे ग्रुप बोलते हैं। तो यहां देख रहे कैलकुलेशन करके देख लिया गया कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेट इफेक्टिव बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे जेट इफेक्टिव कॉन्स्टेंट, नोट करो पहले। फिर इसका यूज बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।